हेलो एवरीवन। सो मूंग दाल खस्ता कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें मैदे के अंदर सॉल्ट और ऑयल को अच्छे से मिक्स करके उसका डो बना लेना है और उसको साइड में रख देना है। फिर उसके बाद हमें एक पैन लेना है, उसके अंदर ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके अंदर हमें डालने हैं मसाले। सबसे पहले खड़ा धनिया, सौंफ, जीरा, हींग, लाल मिर्ची पाउडर, पिसा हुआ धनिया और सॉल्ट जाएगा। उसके बाद हमें उसको अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद हम उसमें डालेंगे हल्दी, गरम मसाले का पाउडर और बेसन। बेसन को अच्छे से हमें रोस्ट करना है जब तक कि वो एकदम फूल ना जाए। उसके बाद हमें उसके अंदर डालना है पिसी हुई मूंग दाल का पेस्ट जो हमने ऑलरेडी भिगो कर रखी हुई थी और उबाल कर भी रखी हुई थी। इसको हमें जब तक रोस्ट करना है जब तक कि बिल्कुल एक दूसरे से अलग ना हो जाए, बिखर ना जाए। अच्छे से रोस्ट होने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। फिर उसके बाद हमें हमारी कचौरी प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए फिर डो के अच्छे से छोटे छोटे बॉल बना लेना है। आप साइज़ आपके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। फिर आपके जो बॉल होंगे उसको रोल करना है, आप हाथ से भी कर सकते हैं, हमने बेलन से करा है। बीच में अपना कचौरी का पेस्ट रखना है, उसको फिर अच्छे से फोल्ड करना है, ऊपर की टॉप की जो नोच होती है उसको अलग कर देना है, उसको फिर हल्का सा प्रेस कर लेना है। आप इसी तरीके से बाकी की भी कचौरियाँ बना लें। कचौरी को शेप देते वक्त हमने हमारा ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब हमने उसमें हमारी कचौरियाँ डाल दी हैं। अच्छे से एक साइड से जब सीख जाएँ, तला जाएँ, तो उसको टर्न कर लेना है दूसरी साइड और ऐसे ऊपर उसके ऑयल डालकर उसको अच्छे से डीप फ्राई कर लेना है। तो यहाँ हमारी कचौरियाँ बनकर तैयार हैं गर्मा गर्म। आप लोग भी ट्राई करें, कमेंट करके बताएँ कैसी लगी और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय।